मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल प्राची स्वर्ग। आज के इस व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है, क्योंकि ये व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैं आप लोगों से इस व्लॉग में शेयर करूंगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं कौन सा ऐप यूज़ करती थी। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दी बताओ, और मुझे कल तक भी आ रहा था कि दी प्लीज़ बताइए। और आज मैं अपने झूले पर बैठ के शूट कर रही हूँ, क्योंकि लड्डू टीवी देख रहा है हॉल में एंड मुझे वो शूट नहीं करने दे रहा था, तो मैं आ गई रूम में। और अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, करवा चौथ की वजह से ही मेरे को अभी पार्लर जाना है। तो शायद मे भी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा जब मैं पार्लर गई होंगी, या फिर अगर मैं शूट कर पाई तो। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग से। एंड सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और अब बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। तो जैसा कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं आप लोगों से नाम तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं उसका जो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड मैं इसमें सिर्फ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं उसमें कैसे यूज़ करती थी। तो फर्स्ट तो मैं जब उस ऐप को ओपन करती हूँ, या फिर आप लोग भी ओपन, मैं मेरे पास अभी भी है वो ऐप। एंड उस ऐप को जब भी ओपन करोगे आप, तो आपको आएगा कि आर यू प्लानिंग फॉर अ बेबी, और आपका ऑलरेडी बेबी है या फिर आप प्रेग्नेंट हो, कितने वीक के हो, कितने मंथ्स के हो। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि आप कब प्लान कर रहे हो बेबी, या आपका बेबी कितने मंथ का है, या आप कितने मंथ, कितने वीक्स या मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, तो एग्जैक्ट उसमें LMP डालना होता है लास्ट आपका जो भी होता है, तो वो आप उसमें ऐड करोगे। एंड ऐड करने के बाद आपका वो एग्जैक्ट डिटेल बता देगा उसमें। वो एक जैसे ओपन करोगे आप हर रोज ऐप, तो उस ऐप में आएगा कि गुड मॉर्निंग मम्मा, ऐसे बेबी घूम करके आता है उसमें। जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे ऐसा लगता था कि ये लड्डू ही है, मतलब मेरा बेबी है। मुझे तो नहीं पता था उस टाइम कि क्या होने वाला है, बट आपको वो एक बेबी दिखेगा, और जिसका भी बेबी होने वाला है वो तो बहुत रिलेट कर पाएंगे इस सब चीज़ से, और जो उस टाइम से लेके अभी तक यूज़ करे जैसे कि मैं, तो वो अभी बेबी अभी भी घूमता है, तो मुझे ऐसे ही फील होता है कि हाँ ये बेबी मेरा बेबी है। तो वो बेबी आएगा, वो खुद ही बताएगा कि हाय मम्मी। और उसमें फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आपका बेबी है, तो उसमें वो खुद बताएगा आज के दिन आपको क्या करना है, आपका बेबी कितने दिन का हो गया है, और मैं कितने दिन में आ जाऊँगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो बोलेगा कि मम्मा आई हैव कम्प्लीटेड दिस मेनी वीक्स एंड आई विल बी कमिंग यू, आई वॉन्ट टू हग यू, आई वॉन्ट टू, जो भी उसमें होता है वो सारी चीज़ें आप उसको हिंदी में भी यूज़ कर सकते हो उस ऐप को। बहुत सारी लैंग्वेजेस में हैं, बट मैं जनरली इंग्लिश में करती थी। तो फिर और वहाँ बेस्ट चीज़ ये है कि आपका एक ना ग्रुप आप फॉर्म कर सकते हो, जितनी भी ममाज मतलब आपसे रिलेटेड होंगी, 28 वीक्स प्रेग्नेंट, 36 वीक्स प्रेग्नेंट, आप जिस भी वीक्स में होंगी वो वीक्स उसमें उस आपका जो ग्रुप होगा ना आप उसमें ऐड कर सकते हो। और उस वीक में मोस्टली वही वुमेन होती हैं जो आपसे रिलेट करेंगी, एक दो दिन आगे पीछे होगा जिनका LMP और EDD, तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो कैटेगराइज करते हैं और आपको उसी ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें आपसे रिलेटेड ही वुमेन होंगी। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग वाले ग्रुप में होगा, तो आप अगर अपना एग्जैक्ट डेट डालोगे तो वो आपको अपने आप ही कैटेगराइज कर देंगे, और आप उसमें चैट कर सकते हो। तो जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी आज से 1.5-2 साल पहले, तो उस टाइम पे ना मुझे भी बहुत सारी मतलब फ्रेंड्स मिल गई थी कि हाँ मेरे आज मुझे ये फील हुआ, आज मुझे वो फील हुआ। बहुत सारे लोगों को सीकनेस होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है उसमें, एंड मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने पहले भी शेयर किया है कि मुझे थायराइड वगैरह का कोई इशू नहीं था। हाँ बीच में मुझे क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोग हर चीज़ ध्यान से देखते हो, तो बीच में मुझे क्या हुआ था, बीच में नहीं मुझे एंड में जाके हुआ था कि मेरा SGPT काफ़ी हाई हो गया था, वो 40 के अराउंड होना चाहिए और मेरा हो गया था 200 के अराउंड। मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने इस ऐप को यूज़ किया, काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी उस पर बन गए थे एंड मेरे लिए इजी भी हो गया था। और उस टाइम जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, तो आपको हर मतलब जो भी औरत प्रेग्नेंट दिखेगी आपको उनसे कुछ कनेक्टिविटी तो फील होगी ही होगी। मुझे तो होती थी, आपको पता नहीं, मुझे तो मैं कहीं भी देखती थी तो मुझे लगता था यार कितने मंथ्स प्रेग्नेंट होंगी, या फिर अगर बेबी होता था तो बेबी कितने मंथ्स का है, कैसे केयर करते हैं, ये वो तो मेरे दिमाग में होता था। फिलहाल मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन ले लिया एंड मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी कि इसमें कैसे ओपन होता है। मैं आपको स्क्रीन पे तो नहीं शो कर पाऊंगी, इसमें आपको अपनी प्रोफाइल ऐड करनी पड़ती है। प्रोफाइल में आप अपने बेबी का डिटेल्स दो, आप अपना मेल आईडी भी दे सकते हो जिस पे आपको मेल रिसीव होगा। अगर इन
फ्यूचर कभी आप फ़ोन चेंज कर रहे हो या कुछ भी, मैंने भी बीच में फ़ोन चेंज किया था तो मैंने अपना सेम ईमेल आईडी डाला था, तो मेरा वो डिटेल कैप्चर हो गया था सेम जो भी मैंने चैट्स किया था। और उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स ही आपको सिर्फ हेल्प कर पाते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, आप कभी भी ले सकते हो अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो। दिन में एक बार वो लोग लाइव आते हैं, लाइव में आप लोगों को पता है गाइस मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं, तो आप लोग एक काम करो, आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप उसको कॉपी कर लो, आप उसको पेस्ट करते रहना। मैंने जब उस टाइम पर फॉलो किया था तो डॉक्टर सुमैया करके हैं उस पर ऐप पर, मैंने उन्हें फॉलो किया था, मैं उन्हें जानती तो हूँ नहीं, बट मैंने उनसे 6-7 बार क्वेश्चन, जब मुझे कुछ कुछ डाउट होता था तो मैंने पूछा था लाइक स्ट्रेच मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो बहुत बार होता है, जेनेटिक होता है स्ट्रेच मार्क्स, मुझे भी इचिंग वगैरह होता नहीं था बट स्ट्रेच मार्क्स हुआ क्योंकि मम्मी और मेरी सासू माँ को था, तो मैंने उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, SGPT के रिलेटेड पूछा था, उन्होंने भी मुझे मेडिसिन बताई थी और सेम मेडिसिन मेरे डॉक्टर ने भी बताई थी, तो मैंने उस मेडिसिन को फॉलो किया। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मुझे आइडिया नहीं था एंड मेरी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं होने वाली है, लेकिन मैंने उस ऐप पे उस डॉक्टर से कंसल्ट किया। उस दिन जो मैंने अपना ब्रेक लिया था, फ्राइडे से मंडे को मेरा बेबी हुआ था, फ्राइडे से संडे तक मेरा टाइम था एंड ऑल्टरनेट डेज उस टाइम पे आने लगे थे कुछ हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, तो मैंने उनसे पूछा था फ्राइडे नहीं सैटरडे को मैंने पूछा था क्योंकि फ्राइडे को मेरे को लेवर पेन स्टार्ट हुआ था, सैटरडे को मैंने उन्हें पूछा था, बट उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज वगैरह करो आप और देखो। बट मंडे को जब मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि यू आर गोइंग टू डिलीवर एंड गेट एडमिटेड एज सुन एज पॉसिबल, इफ योर डॉक्टर मतलब मना भी कर रहे हैं तब भी आप जाओ और बोलो कि आई फील दिस काइंड ऑफ पेन एंड श्योरली आर गोइंग टू डिलीवर इन 1 to 2 days और मे बी टूडे और टुमोरो, तो आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रखो। तो मैं आई वॉज़ वेरी श्योर एंड मंडे को ही मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, एंड जब मैं गई तो मेरे डॉक्टर ने तो मैं जिस डॉक्टर से चेकअप कराती थी उसने तो मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डॉक्टर ने तो नहीं नर्स वगैरह ने चेक किया, उन्होंने बोला हाँ बेबी होने वाला है एंड दे टुक माई एडमिशन लाइक एडमिट कर दिया उन लोगों ने मुझे एंड फिर सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तो मुझे तो इसलिए मैं डॉक्टर से पहले भी उस ऐप को मानती हूँ, मेरे ऐप को, क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खाई थी, सिर्फ आयरन खाया था एंड कैल्शियम एंड मुझे और कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने कोई मेडिसिन इंटेक नहीं किया था। बट इस पे मुझे फ्रेंड्स मिली थी जिनके वजह से हम लोग रिलेट कर पाते थे, मैं शेयर करती थी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है एंड मैं उनका भी देखती थी। आप अपना सॉल्यूशन किसी और को दे सकते हैं, किसी और से भी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, कि मैंने भी बहुत सारे लोगों का आंसर किया था उसमें एंड मुझे मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर दी थी, मैंने ऐसे पोस्ट तो नहीं डाला था बट आंसर वाले पोस्ट हैं मेरे अभी भी, मुझे शो करते हैं क्योंकि जिस टाइम पे था ना कभी कभी कोई पूछता बेबी बॉय होगा गर्ल होगा या फिर आई एम फीलिंग कफ एंड कोल्ड तो मुझे क्या करना चाहिए या कुछ, तो मैं वो ऐप तो रेगुलर यूज़ करती थी एंड यू वोंट बिलीव इट गाइस, जब उसमें आता था ना कि आज आपको कुछ शेक पीना है या ड्राई फ्रूट्स खाना है, आई यूज़ टू फॉलो इट वेरी सीरियसली, तो मैंने किया था, मुझे उसमें बोला था कि ऐसा कुछ नहीं नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पूरा काम करो या कुछ, बट अ फ्यू एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू एंड आई यूज टू डू दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज एंड मैंने कुछ काम नहीं किया था क्योंकि मेरे घर में मेड कुक था, तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं किया था, कुछ एक्सरसाइजेज किया था। तो आप इस ऐप के थ्रू ऐसे यूज़ कर सकते हैं एंड कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर की लाइफ टाइमिंग को देख के फॉलो करके, तो आपको जब भी लगे कि ऐसे यूज़ किया था इस ऐप को एंड उस ऐप की बेस्ट चीज़ ये थी जब मेरा बेबी हुआ नहीं था तो उसमें जो भी मेरा बेबी फील करता था मेरे टमी के अंदर तो वो मुझे लिख के आता था कि मम्मा आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आई कांट वेट टू सी यू और समथिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था अरे मेरा बेबी बोल रहा है। एंड फिर कुछ टाइम के बाद मैं देखती थी एक्टिविटीज़ वगैरह और उसमें आता है कि अगर आपका बेबी इनएक्टिव है तो आप इतना टेंशन मत लो, थोड़ी सी कुछ चीज़ें करो, शुगर खाओ या कुछ भी, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करती थी। मेरा बेबी लेकिन काफ़ी एक्टिव था एंड अभी भी इतना एक्टिव है ना कि अब मुझे ही परेशान कर दिया है, तो मैंने उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था एंड आई सजेस्ट, मेरा ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मुझे इसके लिए पे नहीं किया गया है, बट मैं ऑलरेडी सभी को पता है मेरा एक बेबी है एंड आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय
विथ अ वेट ऑफ 4.5 kg. सो बहुत हेल्दी था एंड इट वॉज ऑल नॉर्मल. तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 kilo से ऊपर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, होता है लेकिन थोड़ा पेन ज़्यादा होता है. ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है यार, पेन तो किसी को भी होता है. बट ट्रस्ट मी गाइस, जो भी डिलीवर करने वाले हैं, मैंने लास्ट जब वीडियो डाला था तो उन लोगों ने बोला दी हम लोग डर गए या जो कुछ भी, अभी पता नहीं कैसा होगा. आप जिस मोमेंट पे अपने बेबी को देखोगे ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके लिए. मेरे लिए तो हो चुका था, क्योंकि मेरे लिए मेरा बेबी अब सब कुछ है एंड मेरे लिए उससे ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है. उसने मेरे लिए, पता नहीं मुझे उससे क्या कनेक्शन है, बट है. मैं उसे डांटती हूँ बेशक, लेकिन मेरे बेबी से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लिटरली मैं भी नहीं हूँ. बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो जो कुछ भी मैं कर रही हूँ सिर्फ लड्डू के लिए कर रही हूँ. मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट फॉर सेक ऑफ माई बेबी एंड उसके फ्यूचर के लिए. एंड मे बी मैं पता नहीं एज अ पर्सन कैसी हूँ कैसी नहीं, बट आई वॉन्ट टू बी अ गुड मॉम एंड बस रहूँगी. तो जो भी बेबी डिलीवर करने वाले हैं उन्हें ऑल द बेस्ट. एंड गाइज आप लोग डरो मत, जो भी होगा आप जब अपनी बेबी को देखोगे, वो जब आपको टच करेंगे तो बहुत अच्छा फील होने वाला है. आपको नहीं पेन होगा, नहीं वो होगा रियलाइज़ कि किस पेन के थ्रू आप गए हो. मेरा तो एक सेकंड में ही सारा पेन ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी उस दिन. एंड एक बार मेरी लाइफ में बहुत बहुत गंदी सी प्रॉब्लम हो गई थी लड्डू से रिलेटेड ही, जब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. वो चीज़ भी मैं कभी शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत पैथेटिक थी. तो मैं कभी वो गलती कोई और ना करे तो मैं वो शेयर करूँगी. फ़िलहाल के लिए इतना ही. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा और ऐप को ट्राई कीजिए. आप लोगों को पर्सनली अच्छा लगेगा तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं टाइम टू टाइम, आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो. आपकी आपको लगता है जो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आप उनको फॉलो कीजिए. मुझे तो डॉक्टर सुमैया लगी थी तो मैं उन्हें फॉलो की थी. मुझे नहीं पता वो है भी या नहीं है, बट अब थैंक्स टू दिस ऐप की मेरा सब कुछ हेल्दी रहा एंड सब कुछ सेफ रहा. तो बस इतना ही बोलूँगी. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, खूब सारा प्यार कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट गाइज.